संतुलित और मैकेनाइज सिस्टम के लिए ये ब्रजेश जी ने आहार इक्विपमेंट्स सब चीज़ का खोला है। ये दोनों मिलकर के बेगूसराय के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। NDDB और ये फार्म इनवर्स करके यूनिवर्स करके किसानों के हित में होगा। प्रोग्राम में मैं सोनी सिंह अभी अमरदीप सिनेमा हॉल के पास आई हूँ, सर के साथ अभी बैठी हूँ और यहाँ पे आज फार्म एनिवर्स जो है उसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। ब्रजेश जी के जो है ये शॉप है, उन्होंने यहाँ पे आज एक शॉप का उद्घाटन किया है। आइए सर बैठे हुए हैं, सर से बात करते हैं। सर, लगातार जो है अब किसान के लिए कह सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नए नए जो है अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नए नए तकनीकी आ रहा है। आज यहाँ पे एक दुकान का जो है उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ लग रहा है जो बेगूसराय एक तरफ औद्योगिक नगरी जो कहा जाता है उसमें क्या कुछ और बदलाव आएंगे, क्या कुछ इससे सपोर्ट मिलेगा? देखिए, आज जो ये उद्घाटन हो रहा है, ब्रजेश जी लगातार कृषि और पशुपालन के प्रति समर्पित हैं, खुद भी करते हैं और जो जागरूक हैं उनको भी मदद करते हैं। और यह छोटा सा प्रयास इनका है, इनका एक सपना था कि हमारा जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में एक दुकान खोलें जिसमें NDDB के चेयरमैन और माननीय मंत्री उद्घाटन करने के लिए आए। और इस लड़का में वो जज्बा है कि ये सो के सपना नहीं देखता है, ये जग के सपना देखते हैं। और यह दुकान धीरे धीरे, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये पूर्ण रूप से मॉल का रूप कुछ ही दिनों में ले लेगा। एकाएक प्रोग्राम बना, इसलिए एक छोटा सा ये दुकान के रूप में अभी है, आगे चल के ये मॉल के रूप में लेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, होना भी चाहिए। ब्रजेश जी जो है एक युवा के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। एक युवा हो के वो सही में खुले आंखों से सपना देखते हैं। चलिए, और भी तमाम यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, अंदर ब्रजेश जी भी मौजूद हैं, आइए सबसे बात करते हैं। ब्रजेश जी के साथ मैं अभी उन्हीं के शॉप में मौजूद हूँ। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई इस तरीके का सेटअप जो है आप बेगूसराय में लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद KB स्टूडियो को और आपको भी, और ख़ास करके डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का सेटअप जो है आप कोड़े गांव में जो है वहाँ पे बहुत अच्छा जो आप सेटअप फार्म हाउस सब बना के रखे थे, इसको बेगूसराय में लाने का आइडिया कहाँ से आपको आया? पहली चीज़ तो है कि जैसे जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं, जिन कामों को हम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी सोर्सेस हैं। जैसे पहले जो हमारा नेचुरल सोर्स से बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट्स टूल्स बनते थे, तो वो अब बनते नहीं हैं। अब हमें क्या करना होता है कि डिपेंड होना पड़ गया है इंडस्ट्री स्केल के प्रोडक्ट्स पे। तो अभी हम लोग जैसे बांस का एक कड़ी होता था, नाल बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं, वो अब बनाना छोड़ दिया हम लोग। और अभी प्लास्टिक की बहुत सारी कंपनियां बना रहे हैं, उसको अभी तक हम लोग खरीद नहीं पाए। तो इसी तरह से बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट है। फिर मिल्क केन है, जैसे कमंडल बाल्टी, ये सब हम लोग खरीदते थे, लेकिन क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बुरा हाल था हम लोग का, क्योंकि हम अब प्लास्टिक के बर्तन में दूध लाने लगे। तो उसके लिए अच्छी अच्छी मिल्क केन जो स्टेनलेस स्टील के फूड ग्रेड का है और एल्युमिनियम का है, वो सब चीज़ें। दूसरा क्या है कि पोल्ट्री में लेयर और बॉयलर में मेरा एक छोटा सा पशु आहार का कारखाना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो उसमें हम लोग फीड सप्लाई देते थे। अभी उसमें मेडिसिन, वैक्सीन और
फिर मतलब फीड सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें, और बेगूसराय है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ NH हैं, अलग अलग ज़िलों के यहाँ से जुड़ाव है, राज्यों के जुड़ाव हैं, तो इस चीज़ों को और जगहों तक फैलाया जाए, लोगों को सुविधाएं दी जाएँ। अच्छा, इस शॉप में क्या कुछ अभी अवेलेबल है, आने वाले समय में क्या कुछ इसमें अवेलेबल करवाइएगा, क्या कुछ सोच रखे हैं आप? एक तो यहाँ पे कैटल और पोल्ट्री दोनों के लिए मेडिसिन वैक्सीन की सुविधाएँ हैं, और फीड इन्ग्रीडियंट जो होते हैं पोल्ट्री और कैटल का, और फिनिश फीड भी। उसके बाद क्या है कि खास करके डेयरी सेक्टर में जो डेयरी फार्म्स टूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, काउमेट, मिल्किंग मशीन, उसके फावड़ा, नाल, ब्रश, जाबी, रस्सी, मुखारी, और सब यूनिक हैं, अलग तरीके का है। पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे डेवलप्ड राज्य जो हमारा पशुपालन में बहुत आगे है, तो ऐसे राज्यों से, और ख़ास करके जो हमारी पशु में बर्बाद हो जाती हैं थनैला वगैरह में, तो उसके लिए जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये मतलब कि इसको हम लोग ना थनैला का जांच कर लेते हैं कि थनैला है हमारे पशुओं में कि नहीं, इसके लिए इसको CMT किट बोलते हैं। इसमें 4 थन का दूध और ये 2 बूंद दवा देंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारी गाय को थनैला का लेवल क्या है। थनैला ना हो उसके लिए इसको डीप कप बोलते हैं, इसमें ये लिक्विड लैक्टिशियन पड़ता है, और फिर बैक्टीरियल और वायरल डिजीज से प्रोटेक्शन मिलता है हमारे पशुओं को। इसी तरह से बहुत सारे फार्म और टूल्स इक्विपमेंट्स यहाँ पे अभी उपलब्ध हैं। एक तरफ जो है किसान जो भटक रहे थे और बहुत सारी जानकारी के अभाव के वजह से जो है गाय जो है उनकी बर्बाद हो जाती थी, उनके लिए यह खुशी की बात है और राहत की बात है। बिल्कुल, हमारा प्रयास है, मैं पिछले 2013 से ही लगा हुआ हूँ कि क्या मेरी खुद की जीविका चले ही, लेकिन साथ ही साथ हम क्या कुछ करें कि हमारे किसान भाइयों को जो उपेक्षित हैं, कहते हैं कि कृषि और पशुपालन बहुत निम्न दर्जे का काम है, तो उसको हम कैसे लाभकारी करें, कैसे हम पशुपालन में लागत को कम करें और अपने मुनाफा को बढ़ाएं, इसके लिए काम करने का एक छोटा सा प्रयास है। सर, एक तरफ बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, दूसरी तरफ जो है किसान भाई को बहुत सारी जो है आए दिन जो है उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसमें बर्जेस जी जैसे युवा जो हैं आए एग्रीकल्चर करके, वो पढ़ाई करके और तमाम तकनीकी से जो है उसमें बदलाव लाने की प्रयास कर रहे हैं, जो औद्योगिक नगरी जो कहा जाता था, ऐसे ऐसे जो है जो बर्जेस जी जैसे युवा जो हैं एग्रीकल्चर करके पढ़ाई करके जो इस तरीके का नया तकनीकी ला रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या कुछ बेगूसराय को सपोर्ट मिलेगा और क्या कुछ युवाओं को इनसे सीखना चाहिए? देखिए, बर्जेस जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने फार्म एनिवर्स करके एक शोरूम खोला है। ये बेगूसराय के लिए पहला ये है, क्योंकि बेगूसराय 15 लाख लीटर दूध प्लस और माइनस 20% बेगूसराय में होता है, यानी किसानों के आर्थिक रीढ़ में लाइव स्टॉक की भूमिका सबसे बड़ी है, और मैं NDDB को इसके लिए बधाई दूंगा कि भारत सरकार एनिमल हस्बेंड्री और NDDB मिलकर के ब्रीड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए IVF टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जो भारत सरकार 5,000 रुपया टेस्ट ट्यूब बेबी, जो हमने पहले जोकिया में इस काम को कर चुका है, सॉर्टेड सेक्सीमन 5,000 बछिया पैदा हो चुकी है। तो ये जब ब्रीड में, तो ब्रीड को एक संतुलित और मैकेनाइज सिस्टम चाहिए, तो संतुलित और मैकेनाइज सिस्टम के लिए ये ब्रजेश जी ने आहार, इक्विपमेंट्स, सब चीज़ का खोला है। ये दोनों मिलकर के बेगूसराय के किसानों के लिए वरदान साबित होगा, NDDB और ये फार्म इनवर्स करके किसानों के हित में होगा। सर, भारत गांवों का देश है, गांव में किसान अधिकतर पाए जाते हैं, जब किसान खुश होंगे तभी हम लोग खुश होंगे, भले हम लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जी लेकिन खाना वही खाएंगे जो किसान के जो द्वारा सींचा गया हो, उपजाया गया हो, और खास करके जो किसान है वो गाय पालते हैं, शुद्ध दूध जो है अभी दिन प्रतिदिन मिलता नहीं है, क्योंकि जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो उचित जो चाहिए जो उनको
सही इलाज चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। ब्रजेश जी जो हैं बाहर से पढ़ के आए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और इस तरीके का नया नया तकनीकी ला रहे हैं, पहले कोड़े में उसके बाद अब यहाँ बेगूसराय में, क्या कुछ किसानों के लिए वरदान होगा, क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके माध्यम से ब्रजेश जी को और उनकी पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ। ये जो एक प्रयास है कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र हैं जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, जैविक खाद हो गया, इन सभी कृषि और संबद्ध क्षेत्र को एक व्यावसायिक और औद्योगिक स्वरूप देने की दिशा में एक ये उनका एक बहुत ही छोटा किंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि पूरे जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे गांव की जो इकोनॉमी है वो भी सुदृढ़ होगी और उसकी दिशा बदलेगी। इसमें इनका प्रयास सराहनीय है। सर बोल रहे थे आपके बगल से, नई चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब तक हमको नहीं लगता है और आपको भी हमें नहीं लग रहा है कि जब तक हम लोग नए चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग के अपने जो हैं जो कर रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन जो है स्थिति बिगड़ती जा रही है किसान भाई की, उसमें बदलाव नहीं आएगा क्या? देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे आती है और एक्सेप्ट लोगों को कराने के दिशा में प्रयास करना पड़ता है और मुझे लगता है कि उसी दिशा में ये प्रयास है। आज यहाँ जितने भी इन्होंने तरह तरह के डेयरी से रिलेटेड और कृषि से रिलेटेड छोटे छोटे इक्विपमेंट्स रखे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं या क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने उपकरण दिए हैं, तो इनको जब किसान जब इनका उपयोग करेंगे, जब इनका उपयोग एक बहुत ही उचित मूल्य पे या बहुत कम मूल्य पे किसानों के पास जाएगा तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्वतः बढ़ेगी और जब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये इसका पूरा वाइडर रीच होगा किसानों के बीच में और शुद्ध दूध जिसको आप कह रहे हैं, शुद्ध खाद मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा, आपका जैविक खाद का प्रयोग होगा तो आपको जो आप अभी आप ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं उन सब दिशा में भी प्रयास होगा। सर आप भी डेयरी को संभालते हैं, सारा देख रेख करते हैं, आए दिन किसानों की बहुत सारी समस्याएं आपके कान तक भी जाती होगी, बहुत सारे खबर आते होंगे लेकिन प्रॉपर उसका समाधान नहीं निकल पाता, लेकिन आज यहाँ पे ना बहुत दूर में ना बहुत लोकल में एक प्रॉपर जगह पे इस तरीके का जो फार्म एनिवर्स का जो दुकान खोले हैं ब्रजेश जी ने, वो सारे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। क्या कुछ बदलाव आने वाले समय में देखने में मिलेगा और क्या कुछ डेयरी में भी फायदे बढ़ेंगे? देखिए, डेयरी का काम भी बहुत टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुका है जो संजोग से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये जो दुकान है, ब्रजेश जी को बधाई मैं देता हूँ कि उन्होंने इसके माध्यम से नई टेक्नोलॉजी, नई मेडिसिंस और बहुत सारी नई चीज़ें ला रहे हैं जो डेयरी के उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और कॉस्ट को भी घटाएगा, बीमारियों से बचाव होगा। ये कुल मिला करके इस ढंग के प्रयास की बहुत ज़रूरत है। यह हम लोगों का कुछ क्या कहेंगे, आलस कहिए या पीछे रहने का एक आदत हो गया है कि हम किसी भी सेक्टर में नई चीज़ों को बहुत धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। अभी गुजरात के ये NDTV के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, कितना प्रोग्रेस हो गया डेयरी में, जबकि बिहार में भी उसी समय डेयरी शुरू हुआ। हमको पोटेंशियल है यहाँ, आज बेगूसराय में लगभग 15 लाख लीटर दूध होता है, इसको बढ़ा करके 50 लाख लीटर किया जा सकता है और बहुत समय नहीं लगेगा, 5 साल में यह काम हो सकता है। तो संयोग से ये हम नहीं कर पा रहे हैं, इस ढंग के जब दुकानें आएंगी, नए प्रयास होंगे, ऐसे कई लोग मिल करके करेंगे तो इस सारी स्थिति में बदलाव आएगा और डेयरी के इनकम जो मेन उसका है प्रोडक्शन का, वो किसानों को जाना है, गांव को जाना है, इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है। इसलिए हम लोग आए भी हैं लोगों के उत्साह वर्धन के लिए और किसानों की स्थिति में निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन आएगा। सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतना कुछ बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे जो है अब ब्रजेश जी गांव से शहर की ओर आए, यहाँ के तमाम जो आसपास के गांव हैं वहाँ के किसानों को जो कुछ सुविधाएं नहीं मिलती थी, वो सुविधाओं के लिए जो ये शॉप ओपन किए, वो सारा फैसिलिटीज, वो सारा सामान यहाँ पे रखे, आने वाले समय में किसान भाई जो हैं उनको कितने मददगार होंगे, क्या कुछ बदलाव आएगा और एक युवा होके इतना अच्छा सोच रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश जी को लेकर? आज ब्रजेश जी के ये नए वेंचर के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर बहुत खुशी हुई।
देश को ज़रूरत है कि ऐसे ब्रजेश जी जैसे एंटरप्रेन्योर और बने और ऐसी सुविधाएं जो आज किसानों को ये बरौनी और आसपास के गाँव में देने जा रहे हैं, ऐसी सुविधाएं मेरे हिसाब से हर एक गांव हर एक शहर में होनी चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योर जो ब्रजेश जी जैसे जो एक नौकरी छोड़ के अपना खुद का जो एंटरप्रेन्योरशिप दिखाते हुए सेटल हो रहे हैं, ये एक नया रास्ता दिखाएंगे ऐसे गांव के युवाओं को जो बहुत कम पैसे में नौकरी करते हैं लेकिन उनकी आजीविका हो नहीं रही है। तो इससे दोनों को फ़ायदा हो रहा है, वो खुद भी ज़्यादा आमदनी करेंगे, नियमित उसको आमदनी मिलती रहेगी और साथ में किसानों के लिए एक उचित दाम में ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो किसानों को शायद और कहीं से नहीं मिल रहा है वो एक ही जगह से उपलब्ध होगा। सुधांशु जी, आपका स्वागत है हमारे केबी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। आपके बारे में मैं सुनी, आप भी बहुत बड़ा फार्म चलाते हैं और ब्रजेश जी भी इसी से लगातार जुड़े हुए हैं, एक नया सेटअप दिए हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पे किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इन जैसे युवाओं के लिए? ब्रजेश तो शुरू से ही जब से पढ़ाई करके गाँव आया उस समय से ताल्लुकात है उससे, और हमेशा कोई भी काम करने के लिए निकलता है तो एक बार ज़रूर हम लोग डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। और ये पहल इसलिए अच्छा है कि मेरे पास भी एक डेयरी है और कोई भी सामान के लिए या तो हरियाणा या दिल्ली या किसी को फ़ोन करना पड़ता है या किसी को बोलना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमको चाहिए या ला दें। और अब ये क्या हुआ है कि जैसे स्टील कैन आज तक कहीं भी खोजे हमको मिला नहीं, जैसे ग्लव्स है, जैसे वो देह रगड़ने का छोटा छोटा चीज़ मतलब और इतना मायने रखता है, सारे चीज़ एक छत के नीचे मिल जाए, क्योंकि हम मुर्गी भी रखे हुए हैं कड़कनाथ, हम गाय भी रखे हुए हैं, तो उसका फीड है, दवा है, छोटा छोटा सामान है, एक छत के नीचे मिल जाए, ये हमको लगता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। एक तो टाइम की बचत होगी और साथ ही साथ जो तमाम लोग जो हैं इधर उधर भटकते रहते हैं और भटकने के साथ साथ जो है इरिटेट भी हो जाते हैं कि ये सामान यहाँ नहीं मिला वहाँ नहीं मिला, उसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये सब सामान मिलता ही नहीं है यहाँ, और मिलेगा भी तो इतना पुअर क्वालिटी का मिलता है कि वो एक दो दिन में टूट जाता है। और अभी जो हम लोग देखे जो सामान सब है, एक तो एक छत के नीचे उतना वैरायटी सामान और सब बेस्ट कंपनी का, तो जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक वन स्टॉप मतलब दुकान हो गया कि सारा चीज़ हमें से मिल जाए यहाँ पर। हमको लगता है कि हम लोग किसान के लिए बहुत अच्छा एक जगह हो गया, होना भी चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद।